नमस्कार साथियों, स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। और साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम पड़ेगी। और चूंकि इनको पर्यावरण के क्षेत्र में चाहे आप कहें, या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में कहें, या फिर देश सेवा के क्षेत्र में कहें, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम पड़ेगी। और इनको आपने कई बार हमारे साथ यूट्यूब पर भी देखा होगा, बहुत सारे इंटरव्यू हमने सर के किए हुए हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक पर्यावरण कार्यकर्ता और जिन्हें मध्य भारत क्षेत्र में वृक्ष मित्र के रूप में जाना जाता है, श्री विजय गुप्ता जी का। तो विजय गुप्ता सर एक ऐसी शख्सियत हैं जो पिछले कम से कम 10 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। और इनके बारे में सबसे बड़ी खासियत यह है कि देखिए, ये लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ ऐसा सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं जिसके कारण हजारों पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा होती है। और इसके अलावा जल संरक्षण के क्षेत्र में विगत 10 वर्ष से ज़्यादा समय से लगातार कार्य कर रहे हैं और निःशुल्क और निःस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। और शासन प्रशासन ने भले ही आर्थिक रूप से मदद ना की हो इनकी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसा लगा करके और लगातार पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया है। तो अभी हाल फिलहाल वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि जितना इन्होंने पर्यावरण के लिए कार्य किया है, तो मध्य भारत में मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ कि इनके बराबर, विजय गुप्ता सर के बराबर किसी ने पर्यावरण क्षेत्र के में कार्य किया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह खुद भी मैं इन्हें अपना गुरु मानता हूँ। और जब भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी होती है या मैं कहीं उलझता हूँ, तो इन्होंने मुझे समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है, ऐसा समझिए। और मेरे साथ साथ लाखों की संख्या में युवा इनसे जुड़े हुए हैं और लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है विजय गुप्ता सर को। और मैंने कई बार बताया है, अगर भारत माता के एक सच्चे सुपुत्र के नाते अगर आप किसी का नाम लेंगे, तो उनमें विजय गुप्ता सर का नाम जो है वो अग्रणी पंक्ति में हमेशा लिया जाएगा। क्योंकि इनकी सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि इन्होंने भी निस्वार्थ भाव से काम किया है, और जब भी जरूरत पड़ी है देश के लिए, समाज के लिए, तो ये हमेशा जो है अग्रणी भूमिका में रहे हैं। और अपनी जेब का पैसा खर्च करके और पर्यावरण के लिए और पशु पक्षियों के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि दो दो तीन तीन दिन तक, चार चार दिन तक लगातार इन्होंने वृक्षारोपण का कार्य किया है। और अभी तक इनके बारे में बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा पौधे ये लगा चुके हैं संपूर्ण मध्य भारत क्षेत्र में। और सीड बॉल का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि समय समय पर इन्होंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीड बॉल वितरित किए हैं, तो जिससे पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। और इसके अलावा वो सीड बॉल के माध्यम से भी हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने अपने घरों में पौधे उगाए हैं। तो मैं शासन प्रशासन से और आप सभी लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि विजय गुप्ता सर को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अभी जो है विजय गुप्ता सर की पिछले कुछ दिनों से मेरे से थोड़ी सी नाराज़गी है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं विजय गुप्ता सर से, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कोई नाराज़गी है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि उस बात को भुला करके और मुझे अपना छोटा भाई मानते हुए
मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे, और यह चाहता हूँ कि आगे भी हमेशा ऐसे ही आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें। जब से भी मैं आपको जानने लगा हूँ तो आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत मतलब इतना सीखा है कि आज अगर मैं इस मुकाम तक पहुँच रहा हूँ या इस ऊंचाई तक पहुंच रहा हूं, या आगे भी जो कुछ मैं करूंगा या बनूंगा उसमें आप हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में और एक मार्गदर्शक के रूप में मेरे दिलो दिमाग में हमेशा बने रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव मुझे मिलता रहे, क्योंकि जो विनम्रता और जो चीज़ें मैंने, जो सच्चाई का मार्ग आपसे सीखा है, जो कठिन परिश्रम का मार्ग आपसे सीखा है, उसे मैं हमेशा याद रखता हूँ, और उसी की बदौलत आज मैं निरंतर आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब विजय गुप्ता सर की आशीर्वाद, विजय गुप्ता सर का आशीर्वाद या उनके मार्गदर्शन का परिणाम है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय गुप्ता सर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और शासन प्रशासन से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप विजय गुप्ता सर के लिए और ऐसे तमाम पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए जो विजय गुप्ता सर की टीम में कार्य करते हैं, हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं वो, तो आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तन मन धन तीनों प्रकार से जो भी सहयोग आप कर सकते हैं उनको हमेशा करते रहें, और विजय गुप्ता सर ऐसे ही लाखों लोगों का हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। और मैं तो उन्हें अपना गुरु मान चुका हूँ, और अगर वो कभी मेरे ऊपर नाराज भी हुए हैं, कभी डांटते भी हैं, तो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ कि वो कभी अंदर से या वास्तविक रूप से वो नाराजगी नहीं हो सकती है। शिष्य के प्रति हमेशा गुरु की अच्छी ही भावना होती है, वो चाहे डांट दें या नाराज हो जाएं या कुछ भी आपको बोल दें, तो इसका मतलब ये कदापि कदापि नहीं हो सकता है कि उन्होंने आपके प्रति कोई द्वेष या इस प्रकार की कोई भावना रखी है। मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ कि वो जो है हमेशा शिष्य के प्रति एक अच्छी भावना होती है, तो इसी भावना के साथ मैं उन्हें एक बार पुनः जो है अपने गुरु को, अपने बड़े भाई और मार्गदर्शक और लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत विजय गुप्ता सर को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में संपूर्ण देशवासियों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और विजय गुप्ता सर से ये निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि ऐसे ही हम जैसे लाखों युवाओं का आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।